मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर गुनाह कोई और करे और सजा किसी और को मिले तो क्या ये सही होगा? यकीनन आप कहेंगे कि नहीं, जो गुनाह करे उसी को सजा हो। लेकिन दोस्तों, गुनाह की दुनिया में सब कुछ संभव है। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ और आज मैं वेस्ट बंगाल की एक कहानी आपको सुनाती हूँ जो इतने संगीन जुर्म से जुड़ी हुई है कि आपकी भी रूह कब आ जाएगी। एक 7 साल का बच्चा, उसे नहीं मालूम था कि उसका जुर्म क्या है। केवल उसने अपनी माँ को उस हालत में देख लिया था जिसमें उसको नहीं देखना चाहिए था। आप समझ रहे होंगे कि उसने अपनी माँ को किस हालत में देखा। शबनम उस बच्चे की माँ है जो एक जूट मिल में काम करती है और उसका अपने ही मोहल्ले के एक नौजवान राजू अंसारी, जिसका नाम है, उससे उसका अफेयर हो जाता है। वैसे उनके बीच में ये जो रिश्ता है, बड़ा पुराना रिश्ता है। शादीशुदा होने के बावजूद भी ये रिश्ता लगातार चल रहा था। लेकिन एक दिन होता है ना कि कभी कभी आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उस गलती को किए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उस गलती पे किसी की नज़र पड़ जाती है। और शबनम और जो उसका प्रेमी है, उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है 7 साल के बेटे शबनम के, जिसका नाम रमजान है। वो बच्चा, मासूम बच्चा, अपनी माँ को उसके आशिक के साथ देख लेता है। काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में उनको वो देखता है। बच्चे को नहीं पता होता कि ये सब क्या है, लेकिन शबनम और राजू वो उस दिन डर गए थे। और राजू ने उसी दिन ये मन बना लिया था कि वो अब रमजान को ठिकाने लगा देगा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं थोड़ा और बड़ा हो गया तो ये बात खुल ना जाए। और फिर एक दिन राजू ने ऐसा गुनाह कर दिया कि जिसके बारे में कोई माँ कल्पना भी नहीं कर सकती। ये मामला सामने आता है मासूम रमजान की गुमशुदगी के बाद। एक रोज़ रमजान अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है और उसके गुम होने की रिपोर्ट ऑब्वियसली लिखवाई जाती है। पुलिस मामले की जांच करती है तो उनको कहीं से ये पता चलता है कि इसकी माँ जो है शबनम, उसके कहीं रिश्ते हैं। उसके बाद शबनम तो पुलिस की रडार पे आ ही जाती है, राजू भी जो है उस पे भी उनका शक जाता है। तफ्तीश आगे बढ़ती है और उस लड़के के बारे में पता करती है जो शबनम का आशिक होता है, जो जिसका नाम राजू है। पुलिस को शक, और भी उस समय पुलिस का शक मजबूत हो जाता है जब शबनम का आशिक राजू अंसारी भी उसी दिन से लापता हो जाता है। अब तफ्तीश जो है बिल्कुल सही दिशा की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद पुलिस ने राजू अंसारी को पास के ही एक इलाके से पकड़ लिया। जब वो पुलिस की हिरासत में आता है तो पहले तो वो कुछ कहानियाँ सुनाता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर जब उससे थोड़ी सी सख्ती की जाती है तो वो पुलिस को बता देता है कि अब वो मासूम इस दुनिया में नहीं है। असल में राजू पहले ही रमजान की जान ले चुका था। हुआ यूँ कि रमजान ने जिस दिन शबनम और राजू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था,
उसके बाद दोनों ने सोच लिया था कि अब इस बच्चे को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। और एक दिन फिर राजू जो है रमजान को अपने साथ ले गया घुमाने के लिए, छाँसे में आ गया वो बच्चा भी और साइकिल पे बिठा के ले जाता है छोटे से मासूम बच्चे को, रमजान को, और मौका मिलता ही वो उसकी गर्दन दबा देता है और बेरहमी से उसको वो झाड़ियों में फेंक देता है। लेकिन जब उसे पता चला कि रमजान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है तो वो डर जाता है। इसके बाद उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो गायब हो जाता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो कानून होता है उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं और आखिरकार जो है राजू के साथ साथ रमजान की माँ भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। उन्होंने ये मान लिया कि इस तरीके से एक दिन रमजान ने हमको देख लिया था, इसलिए राजू को रास्ते से हटाना पड़ा। जान से मारा तो राजू ने, लेकिन कंसेंट शबनम की भी थी, बराबर की गुन है शबनम भी थी। दोस्तों, ऐसे जो कंटेंट होते हैं उन पे आप क्या कहते हैं? क्यों हमारे समाज में ऐसे क्राइम होते हैं? अगर उसने देख भी लिया था तो उसकी जान लेने की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले तो जो इस तरीके के संबंध होते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, वो चोरी के संबंध होते हैं और जब चोरी उजागर हो जाती है तो ऐसा जो है जुर्म होता है। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।